आपका क्या नाम है? सुनीता। कहाँ के चौकीदार हैं? ग्राम नादे कुआं। अच्छा, तो आपके साथ कुछ शोषण हुआ है? हाँ सर। तो क्या हुआ है, कैसे शोषण हुआ है, क्यों हुआ है? हाँ, इसलिए हमारे साथ हुआ कि हमारे नातई के, हमारे ननद के सासू एक्सपायर कर गई, हमने वहाँ चली गई और हमारा लड़का हमारे वजह ड्यूटी आया था जी। और इसलिए हमने भेजा था कि हर बार हम ड्यूटी आने के बाद ही एब्सेंट कर देते हैं लोग जी। उसके बाद मैं लड़का भेजा, जो हमारा लड़का इधर उधर मैंने जा यहाँ से समय से आ गया। उसके बाद हमारे लड़का बुला रहे कहे भोसड़ी वाले मादर से तेरी लौड़िया चोदू जी। तो चौकीदार हम मादर चोते ये कहे कि तुम्हारे उनके सुनीता का लड़का था उनकी अवजी पाया था ये कहें जो कुछ हम मादा चोद भोड़े की लौड़िया चोदो। तो सर 2500 रुपये पे हम अपनी लड़कियाँ अपनी हम उनके तरे जाएं? नहीं ऐसा कुछ। हमसे 5000 रुपया ले ले, हम अपनी लड़की हमारे साथ भेज दें, कोई गलत उसमें है? तो क्या कुछ मारे पीटे भी हैं? हाँ, उसको मारा था, 2 लात मारा, 2 झापड़ मारा था उसको। अच्छा। हाँ, वो रोते चले गए घर। तो आपने कहीं कुछ आदेश वगैरह या कुछ दिए हैं? नहीं सर, हमने नहीं दिया कुछ। अभी कहीं कुछ नहीं दिए? नहीं, कहीं नहीं दिया। ये धमकी देते हैं ना कि अगर ऐसा उधर जाओगी तो तुम्हारा हम वेतन काट दे, तुम्हारा यहाँ से नौकरी गायब कर देंगे, इस धमकी के फिर बस हम जाते नहीं। और सबके कहते हैं, बड़े दरोगो भी अगर बोलते हैं, बड़े दरोगो कहते हैं हमारे अंडर में हैं, हम उनसे बड़े हैं, इसलिए बड़े साहब को पास हमने नहीं जाते हम लोग। अच्छा। हाँ, डेढ़ बस हम नहीं जाते, उसमें तो दिखाता कि हम सबसे बड़े हैं उसमें, ये लोग धमकी देते हैं हमको। अच्छा। हाँ, दीवान धमकी देते हैं, गाली वगैरह देते हैं? गाली वगैरह हर दम, तीसरा बार होगा ही। तो थाने कुछ सोशल मतलब काम वगैरह भी कराते हैं? हाँ, काम कुछ भी। अरे झाड़ू बहारू लगवाते हैं हमको, उसके बाद एक दो बार तो वहाँ थाने में लगवाए थे, हम लगा दी, चलो भाई उसके बाद कहें हमारे रूम पे जाइए। अच्छा। हम रूम पे नहीं जाए और उनके झाड़ू लगाने के, उसके बाद हमको गाली दिए, बहुत झगड़ा किए थे हमसे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, उटांग पड़ा, बहुत गाली घुपता दिए थे इसके पहले भी? हाँ, इसके पहले। कितने दिन की बात है? करीब मई जून की बात। मई जून की बात। तब आपने कहीं एप्लीकेशन या कुछ दिया? हम बोले तो धमकी दे दिया हमको, धमकी दिया अगर करोगी की हमारी शिकायत तो हम इधर उधर तुम्हारा नौकरी से गायब कर देंगे। अच्छा। सब हमारे हाथ में है, इस डेर बस हमने नहीं गई कहीं। अच्छा। हाँ, यही बात है सर। अच्छा, तो ये जो आपकी बार हुआ है ये किस तारीख में हुआ है? 20 तारीख। हाँ, 20 तारीख। इसे दिसंबर में या नवंबर में? यही दिसंबर। दिसंबर। हाँ, दिसंबर। अच्छा, नहीं आज से 2-3 दिन पहले? हाँ। अच्छा, दिसंबर में हुआ था। यही गाली गुप्ता हर बार देते हैं हम सब लोग। क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अज्ञाराम। कहाँ के चौकीदार हैं? डगा के चौकीदार हैं। डगा के चौकीदार हैं। और हमारे जो भाई हैं, बहने हैं, उनके साथ में हमेशा पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी समस्या मतलब हम उसके विरुद्ध जो भी काम हो रहा है हम हमेशा साथ देंगे, अपने भाइयों के साथ रहेंगे, चाहे जो भी काम हो, शोषण के विरुद्ध भी हो या ड्यूटी के प्रति हो, जो भी काम है हमेशा साथ है। नहीं सुना, इस थाने में कुछ चौकीदारों को पीड़ित किया जाता है, गाली दिया जाता है, डांटा जाता है, मारा जाता है, ईंटा पत्थर धुलाया जाता है, ये सब आप सबसे कराया जाता है या? जो भी काम हो रहा है यहाँ नियम के विरुद्ध हो रहा है तो हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो अपने भाई हो। आपका क्या नाम है? नाम केवल। कहाँ के चौकीदार हैं आप? देवनाथपुर के। देवनाथपुर। इस थाने में जो शोषण हो रहा है कुछ चौकीदारों के साथ, क्या उसके बारे में किस राय है? हमारी राय ये है कि मतलब चौकीदार का काम है सूचना देना जी। ना कि ईटा गारा देना काम है, लेबर गिरी करना नहीं काम है जी। और यहाँ चौकीदारों से लेबर का काम करवाया जाता है, ईटा गारा का काम करवाया जाता है, ईटा गारा का काम कराया जाता है, साफ जाता सफाई कराया जाता है, मतलब ना सब कुछ कराया जाता है। कितनी हाजिरी है? हाजिरी तो 3 है। 3 है। और कुछ दिक्कत? हर समस्याएं तो है, कितनी समस्या बताया जाए, हर पॉइंट टू पॉइंट समस्या है। कुछ चौकीदार सुने हैं बाहर गए हैं, दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं, उनका वेतन आ रहा है, बन रहा है, उनकी गैर हाजिरी नहीं लगी जा रही, हाजिर हैं वो वहाँ पर रह करके, यहाँ हाजिरी लग रही है, लग रही है। और जो यहाँ आते हैं ड्यूटी करते हैं दिन भर, उनकी हाजिरी नहीं लगती है, क्या इसके बारे में कुछ आया है? उनको प्रताड़ित किया जाता है। अच्छा। उनको परेशान किया जाता है, जो हाजिरी करते हैं उनको भी परेशान किया जाता है, रात सुबह शाम जब हाजिरी लगाने के समय होती तब पीड़ित किया परेशान किया जाता है या दिन में? जब भी रहते हैं तब भी परेशान उनको किया जाता है। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार है। कहाँ के चौकीदार? ग्राम खुशालगंज चौकीदार, थाना दुबौलिया जनपद बस्ती से हूँ।
और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रहरी भाइयों का पूरी तरह से मतलब कि वहाँ अपमान भी हो रहा है थाने पे, और तमाम लोगों का मतलब कि 100 से ज़्यादा लोगों का अपमान मतलब कि डेली हुआ होता जा रहा है। मतलब प्रतिदिन प्रतिदिन के एक दूसरे को अपमान हो रहा है जी। तो अपमान में क्या गाली दे रहे हैं या आपसे अनलगल काम करा रहे हैं? वही सब अनाप शनाप बातें और तमाम काम, और जो है एक के बाद एक काम ऐसे तरीके से मतलब घरेलू मजदूरों की तरह भी काम करवाया जाता है, उनके ना चाहते हुए भी जबरदस्ती गाली देकर भी काम करवाया जाता है। अच्छा, तमाम लोग बता रहे हैं ऐसा। अच्छा, और हम भी किए हैं। तो आप भी किए हो, आपके साथ भी हुआ? जैसे हमारा कोई निजी समस्या हो गया, कोई वाद विवाद हो गया, उसकी सुनवाई भी नहीं होती है, बोलते हैं कि सब सिस्टम से काम होगा, ऐसा वैसा सिखाने लगते हैं, तमाम तरीके की बात करते हैं। इतनी ड्यूटी करते हो उसके बाद भी वेतन आपको मिलता है बराबर या नहीं मिलता है? जी वेतन तो आता है, अगले महीने का कट गया है। अगले महीने कटा था, कितना कटा था? अब एक हाजिरी नहीं आए थे तो उसी का कट गया था। एक हाजिरी 1250 रुपया आपका कट गया था। अब जो भी होगा हम, मतलब मिला 1250 आपका आया था? हाँ 1900 रुपया आया था मेरा। 1900 रुपया जी। अच्छा, बाकी कट गया था? बाकी कट गया था, 1900 नहीं 1800 आया था। 1800 ठीक है। तो आपके साथ जो मतलब यहाँ थाने पे शोषण हो रहा है जी, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से होता है हमेशा। अच्छा, तो हम लोग कोई भी वहाँ मतलब एक भी परसेंट मतलब कि सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, अनर्गल बात किया जाता है, तमाम तरीके की बात की जाती है। अच्छा, और कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलता है, करते हुए भी इज्जत सम्मान नहीं देना चाहते हैं, पता नहीं क्या ये लोग करते हैं। अधिकारी हैं, अधिकारियों की इज्जत हम लोग करते हैं और वो हमारी इज्जत 1% भी नहीं करना चाहते हैं। 1% करना नहीं चाहते हैं, आप लोग की जिम्मेदारी क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, दो पैसा कमाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, ऊपर से गाली भी सुनते हैं, क्या करेंगे? कोई हेल्प मदद करेगा नहीं तो क्या करेंगे?